चलिए मैडम शुरू करते हैं। आपको नाम तो मालूम है, इसमें से एक लिफाफा निकालिए। 72 वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो उस दौरान कैमरा और सब्जेक्ट उसके बीच में कोई ना आए प्लीज। अभी आपको एक आवाज सुनाई पड़ेगी, आपको बताना ये आवाज किसकी है। ये आ गया महाप्रश्न, इसमें आपको एक अलग से प्राइज मिलेगी, आप सही बताएंगे। तो मैं कुछ नाम दे रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सी चीज ऐसी है, खाद्य पदार्थ है जिसके प्रकार हैं। ये हम कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिसके काइंड्स प्रकार हैं। भीमालाल, अर्का पीतांबर और सफेद लोग। भीमालाल, अर्क पीतांबर और सफेद लोग ये किस चीज के प्रकार हैं? और ऑप्शंस हैं आपके, सेब यानी एप्पल, अनार यानी पोमेग्रेनेट और प्याज यानी अनियन। इसमें से किस चीज के तीनों प्रकार हैं? भीमालाल, अर्क पीतांबर, सफेद लोग। महाप्रश्न ये। ऑडियंस तैयार हो जाए, ऑडियंस से पूछा जा रहा है। मैं जो नाम बता रहा हूं, भीमालाल, अर्क पीतांबर और सफेद ग्लो, ये तीनों किस चीज के प्रकार है? हाथ उठाए, सेब यानी एप्पल। देखिए मैडम, देखिए आपके हाथ, तो देखिए, थैंक यू, हाथ नीचे कर लें। दूसरा, अनार यानी पोमेग्रेनेट, थैंक यू। प्याज यानी अनियन। ऑडियंस ने घुमाया है दो तीन लोगों को, इस बार लेकिन घुमा दिया, सही जवाब। बिल्कुल वेरी वेल प्लेड। नेक्स्ट आप बताइए, जब हम लोग घर में पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें स्वाहा का उच्चारण स्वाहा कहा कहते हैं। आपको बताना है ये स्वाहा क्या चीज है। ऑप्शन ए सैल्यूट यानी प्रणाम, ऑप्शन बी समर्पित करता हूं या समर्पित करती हूं, और ऑप्शन सी किसी देवी का नाम। स्वाहा क्या चीज है? कॉन्फिडेंट मतलब समर्पित करता हूँ, एक्सेप्ट कर ले। इन्होंने कहा कि स्वाहा का मतलब है समर्पित करता हूँ या करती हूँ,
This is the wrong answer. आपको लाइक लाने नहीं चाहिए था. गलती करे. स्वाहा वास्तव में अग्नि देव की पत्नी का नाम है और ये देवी है. अरे गलती कर गए. एक चाइल्ड लाइन थी फिर भी गलती कर ली. He should be confident about our success. Very sorry. अच्छा खेल रहे हम. चलिए कोई बात नहीं. Next time एक टोकन निकाल लीजिए. Number 11. 11. Number 11. Hello everyone. Hello everyone. Senior Citizen Foundation Rio में अभी ये कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज के ऊपर जो कार्यक्रम चल रहा है और इसका लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ जो हो रहा है तो वो न सिर्फ इधर लेकिन दुबई विदेशों में भी अभी लाइव ये सब चीजें आपकी जा रही है और आप अपने रिश्तेदारों को सबको ये बता भी सकते हैं कि इसके देखने के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर जाके पलावा टीवी आपको डाउनलोड करना है देखना है उसमें ये प्रसारण पूरा का पूरा देखने को मिलेगा. क्षेत्रीय मैडम ये हम तो बताएं आपको एक लिफाफा निकाले कहीं से चलिए नंबर 60. ये विशेष करके लेडीज के लिए है. लेडीज से तो बनना ही चाहिए. साड़ी का एक प्रकार है. साड़ी पहनते हैं हम लोग उसका एक प्रकार है पोचम पल्ली. पोचम पल्ली साड़ी जो है आपको बताना है कि मुख्य रूप से किस राज्य से कनेक्टेड है. असम तेलंगाना या केरल. किस राज्य से कनेक्टेड है पोचम पल्ली प्रकार की साड़ी. ऑडियंस वो पीछे वाले क्या बताएंगे. अच्छा ठीक है चलिए. ऑडियंस पर बहुत भरोसा है जबकि आप तो देख चुके हैं पहले. मैं बता दे रहा हूँ. चलिए ऑडियंस बताएगी कि पोचम पल्ली साड़ी जो है किस स्टेट यानी किस राज्य से कनेक्टेड है. असम. और नीचे तेलंगाना. थैंक यू. हाँ नीचे केरल. थैंक यू. बटी हुई है ऑडियंस. सोच लीजिए. थैंक यू. टॉप अब टाइम है 40 सेकेंड है. यू कैन थिंक. तेलंगाना आप प्लेयर हैं ना. प्लेयर आप हैं ना. आपकी बात मानूंगा मैं. आप सबसे सपोर्टर आप उनसे बताइए और वो मान जाएंगे तो जल्दी बोलिए. 10 सेकेंड्स जल्दी. तेलंगाना इन्होंने कहा पोचम पल्ली साड़ी तेलंगाना. राइट आंसर बिल्कुल सही. पोचम पल्ली वास्तव में पोचम पल्ली डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ बनती है साड़ी. वेल प्लेड. बच गए. आपकी बात सुनते सपोर्टर तो आपको डुबा रहे थे. चलिए कोई बात नहीं. कितने दो मिनट में क्या एक ही. चलिए एक और निकाल लीजिए. नंबर नंबर 21. ये बहुत सुंदर है. आपसे बनना ही चाहिए. पवित्र रामायण के अनुसार श्री राम के भाई थे भरत. उनकी पत्नी का नाम क्या था. बहुत ही सिंपल है. ऑप्शंस है उर्मिला श्रुति कीर्ति और मांडवी. यहां से तो कभी कभी आवाज आती गड़बड़ कर देती है.
अच्छा इरेज कर लेंगे। इरेज वन में एक सही एक गलत, श्रुति कीर्ति एंड मांडवी, मांडवी एक्सेप्ट कर लेंगे। राइट आंसर मांडवी, श्रुति। चलिए तीसरा निकालिए नंबर 34। भारतवर्ष के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, ये आज रिटायर हो गए। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई रिटायर टुडे। कल से सीजीआई कौन होंगे उनका नाम बताना है आपको। जस्टिस बोबडे, जस्टिस भूषण, ये जस्टिस अब्दुल नजीर। बोबडे पक्का? राइट आंसर, बिल्कुल सही। जिसके बेस्ट प्लेट, वेल प्लेट, आपका इनाम पक्का हो गया मैडम। शी इज अ प्रिंसिपल, तो उनका नॉलेज बहुत ज्यादा है। हमें समय सारे आंसर उन्होंने राइट दिए, सपोर्ट का कुछ चांस नहीं रहता। थैंक यू सो मच ऑल द ऑडियंस, थैंक यू। आप कहां प्लेस कर रहे हैं? एक मैडम इसकी टोकन निकाल लिया। नंबर 26 आइए। वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम सर, आइए। ये प्रश्न महात्मा गांधी पर है। महात्मा गांधी के चार पुत्र थे। मैं जो ऑप्शन दे रहा हूं उसमें आपको बताना कि मैं दो दो नाम लूंगा, कौन से दो नाम ऐसे हैं जो उनके पुत्र नहीं थे। पहला ऑप्शन हरिलाल और मणिलाल, दूसरा ऑप्शन हरिदास और देवदास, तीसरा ऑप्शन रामदास और देवदास। फिर सुनिए, हरिलाल और मणिलाल, हरिदास और देवलाल, रामदास और देवदास, कौन इसका ऑप्शन है जो नहीं है? रामदास और देवदास के पुत्र नहीं थे। श्योर आपकी दोनों लाइफ लाइन जीवित हैं, ये विद्वान लोग बैठे हैं। ऑडियंस तैयार हो जाए, आपको बताना कि कौन सी जोड़ी महात्मा गांधी के पुत्रों की नहीं है, हरिलाल और मणिलाल। थैंक यू सर, एक हम टाइम। हरिदास और देवलाल, थैंक यू। रामदास और देवदास, इसको नहीं है। सोच लीजिए, अभी आपको 20 सेकेंड है। बी हरिदास हैं, देवलाल ये उनके पुत्र नहीं थे। एक्सेप्ट कर लो। इन्होंने कहा कि हरिदास और देवलाल उनके पुत्र नहीं थे, और ये बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर, ये उनके पुत्र नहीं थे। वेल प्लेड, आपका तुक्का लग गया। कंफ्यूज थी। चलिए दूसरा, ट्वेंटी फोर। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ये हनुमान चालीसा की लाइन है। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाइ, ये श्री राम ने ये लाइन किससे कहा? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाइ, ये श्री राम ने किससे कहा है? श्री हनुमान, श्री विभीषण या श्री सुग्रीव? ऑप्शन ए हनुमान। क्लियर हो?
Who is the player? हनुमान जी से कही उन्होंने, इन्होंने कहा कि तुम मम प्रिय भक्त नहीं सम भाई हनुमान जी, राइट। रघुपति की बहुत बधाई, तुम मम प्रिय भक्त नहीं सम, ये उन्होंने तब कहा है जब वो संजीवनी लेके आए थे। करेक्ट, वेल प्ले मैडम। नेक्स्ट भारतीय संविधान की धारा 356 के अनुसार महाराष्ट्र में भी प्रेसिडेंट्स रूल है, राष्ट्रपति शासन। आपको बताना है कि ये राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है, 6 months, 24 months, 36 months, 6 महीने, 24 महीने, 36 महीने। मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कब तक मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल रह सकता है? एक्सेप्ट कर लें आप, लाइफ लाइन है क्या कोई? नहीं है, फिर बोल रहा हूँ लाइफ लाइन है आपके पास? नहीं लेके लाइफ लाइन, इरेजर में आपका इरेजर में एक गलत मिट जाएगा, एक सही एक गलत। 6 months and 36 months, इसमें से एक सही है। प्रेसिडेंट रूल हाउ लॉन्ग, लॉन्गेस्ट हाउ लॉन्ग कैन इट लास्ट? 5 seconds, जल्दी जल्दी। 36 months, इन्होंने कहा 36 months, जबकि इनके सपोर्टर बोल रहे हैं 6 months, है ना? लेकिन मैडम सही है, शी इज करेक्ट, 36 months। 6 महीने लॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ मैं, 36 months। आज यहाँ के साथ में किसी ने हाथ उठाया था? 36 months, क्या तो 6 मिनट पर भी होता है। वेरी गुड, वेल प्लेड। कितने हो गए क्वेश्चन आपके? चलिए आप जीत गए एक प्राइज, वेल प्लेड। इसमें से एक 13-1-3। देखिए अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं क्विज खत्म होने के, 10 मिनट्स लेफ्ट। स्वागत है आप लोग का। चलिए लिफाफा निकालिए, सनातन धर्म के हिसाब से हर मानव के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियों की बात है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। उसमें आपको बताने के लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें ज्ञानेंद्रिय कौन सी नहीं है, राइट? त्वचा यानी स्किन, मस्तिष्क यानी ब्रेन, जिह्वा यानी टंग। त्वचा नहीं है, कौन सी नहीं है उतना त्वचा नहीं है, बाकी ब्रेन और टंग है। अरे श्योर, आपके दोनों लाइफ लाइन मौजूद है, आप बोल रहे 50 ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ऑडियंस तैयार हो जाए। ऑडियंस को बताना है कि जो मैं ऑप्शन दे रहा हूं इसमें कौन सी ज्ञानेंद्रिय नहीं है। पहला त्वचा यानी स्किन, हाथ उठाई जो बोलता नहीं है, पीछे कर लिए। दूसरा मस्तिष्क यानी ब्रेन, थैंक यू, हाँ पीछे कर लें। तीसरा जिह्वा यानी टंग, ऑडियंस बोल रही है ब्रेन, आप बोल रहे स्किन।
20 सेकंड बचे हैं, सोच लीजिए ऑडियंस साथ जाएंगे क्या? ब्रेन ब्रेन को नहीं, और मतलब ब्रेन जो है वो नहीं है क्या? जल्दी जल्दी 5 सेकंड, हरी अप जल्दी बोलिए। वेरी सॉरी मैडम, जनता ने सही जवाब दिया था, ब्रेन वॉज द आंसर, ब्रेन गारंटी नहीं है। आप लोग समझ लीजिए क्या है उसको, सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां वो होती हैं जिनसे हमको बाहरी दुनिया का ज्ञान होता है। आंख से देखते हैं तो पहली ज्ञानेंद्रिया, दूसरी कान जिससे हम ध्वनि सुनते हैं, तीसरी टंग जिससे हम स्वाद लेते हैं, चौथी त्वचा जिससे हम स्पर्श लेते हैं, और नाक पांचवी जिससे हम स्मेल लेते हैं। तो त्वचा तो है ज्ञानेंद्रिया, करेक्ट ब्रेन इज द करेक्ट आंसर, ब्रेन ज्ञान नहीं है। चलिए नंबर 12, नंबर 12 आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ये तो गेम है, एंजॉय करना है इसमें, यदि सही करें तो उसमें सोचिए जाएंगे। चलिए सर प्लीज 19 की रख लीजिए, 19 अब बताइए हनुमान जी का जो जनेऊ होता है, जनेऊ पहनते हनुमान जी, ये किस पदार्थ का बना होता है, क्या चीज है? सिल्क यानी रेशम, रेप यान यानी मूंछ, या लोटस स्टॉक कमल नाल, कमल की जो नाल होती है उसका। तो सिल्क, रेप यान या लोटस स्टॉक, इसमें से हनुमान जी का जनेऊ किस चीज का बना हुआ होता है? ऑडियंस तैयार हो जाए। हनुमान जी का जनेऊ जिसको कहते हैं सैक्रेट थ्रेड, ये किस चीज का बना हुआ होता है? रेशम यानी सिल्क। कोई हाथ नहीं उठ रहा सर, आप देखते जाइए हाथ कितने उठे। मूंछ यानी रेप यान, हाथ नीचे करें, थैंक यू। कमल नाल यानी लोटस स्टॉक। यू विल गो विद द ऑडियंस, मूंछ, मूंछ Thank you.
और आपके ऑप्शंस हैं शंकर जयकिशन, आर डी बर्मन या एस डी बर्मन। एक रेफरेंस आ चुकी है। हु इज द म्यूजिशियन ऑफ दिस सॉन्ग? क्रेज वन में एक सही और एक गलत, आर डी बर्मन एंड एस डी बर्मन, इसमें से एक है। एस डी बर्मन। शैल आई एक्सेप्ट इट? फाइनल आंसर। इन्होंने कहा कि एस डी बर्मन ने इसका म्यूजिक दिया है, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है आर डी बर्मन। आर डी बर्मन शमी कपूर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का जब फिल्म बन रही थी और लोगों को शमी कपूर को पता लगा कि इसमें आर डी बर्मन ने शंकर जयकिशन के स्थान पर, तो वो नाराज आ गए थे कि हम कुछ शंकर जयकिशन चाहिए। बट उन्होंने कहा मैं सुन के देख रही हूँ, जब सुना उन्होंने अप्रूव कर दिया और इस पर शमी कपूर है। थैंक यू सर, ग्रेट। नंबर 22 75 आज लगी तो आपको एक तो मिलेगा गिफ्ट, एक गिफ्ट मिलेगा सर। 22 यार सारा सिंह बोल रहे हैं। बहुत 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 नंबर क्या? 22 चलिए भाई लोग, स्वागत है आपका। अच्छा जी, कहीं से अभी अयोध्या फैसला आया, रामलला को जमीन दे दी गई है, उसके नाम बदले जाकर राम सब जानते हैं, और वो है 2.77 acres। 2.77 acres जमीन दे दी गई है, ये आप सब जानते हैं। अब आपको बताना है ये 2.77 acres जो है ये कितने स्क्वायर मीटर है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, वो एकड़ है 2.7। और आपके ऑप्शन हैं 6,000 square meters, 9,000 square meters या 11,000 अप्रॉक्सीमेट। 11,000 विद्वान जनता आपके सामने देख रहे हैं। हेल्पलाइन कौन सी लेंगे? इरेज वन लेंगे, ऑडियंस कौन लेंगे? ऑडियंस देखिए, ऑडियंस कितना भरोसा आप पर, जबकि आपने कराटे खिलाने के लोग, लेकिन फिर भी लोग आपको कितना मानते हैं। अब आपको फंसा दिया हमने, अब आप बताइए कि 2.77 acres जो है कितने स्क्वायर मीटर, कहाँ का क्वेश्चन है। चलिए पहला ऑप्शन है 6,000 square meters, आप दिखाइए कोई। दूसरा है 9,000, अप्रॉक्सीमेट है 9,000 square meters। एक हाथ छोटा भी तो ऐसे ऐसे और तीसरा ऑप्शन है 13,000 square meters जनता बोली 13,000 जनता के साथ जा रही है, जनता ने 11 बोला है, राइट? ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। बोलिए राइट आंसर 11,000 20 2020। भगवान शंकर जो है ये गोरे रंग के हैं, भगवान शंकर गोरे रंग के हैं। आपको बताना कि गोरा रंग किस प्रकार का है, बर्फ की तरह गोरा रंग, आइस, कपूर की तरह है क्या, कैंफर या चंद्रमा की तरह है? उनका गोरा किस प्रकार, गोरा रंग किस प्रकार का है?
भारतवर्ष के ऐसे वो कौन से महापुरुष हैं जिनको शाक्य मुनि और तथागत भी कहते हैं? शाक्य मुनि तथागत भी कहते हैं, कौन महापुरुष हैं? ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभ देव। शाक्य मुनि तथागत, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, इसमें से किसको? इन्होंने कहा गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि और तथागत कहते हैं। राइट आंसर, प्लेज 40। एक शब्द हिंदी का अग्नि सखा, अग्नि सखा, ये किस शब्द का पर्यायवाची है? काष्ठ यानी लकड़ी, वुड, वायु यानी एयर, वस्त्र यानी क्लोथ्स। अग्नि सखा क्या है? वुड, एयर एंड क्लोथ्स। बचिन क्या इट इज वन में एक सही और एक गलत। एयर एंड वुड, वुड अग्नि सफेद पिस क्या है? ऑडियंस तैयार हो,
आपको बताना कि सत्यमेव जयते का सोर्स क्या है, मुंडक उपनिषद। थैंक यू। हाँ, पीछे करें। श्रीमद् भगवद गीता। थैंक यू। हाँ, नीचे करें। आनंद मठ। थैंक यू। हाँ, नीचे करें। बोलिए सर, जनता तन्नाटे में है। एक मुंडक उपनिषद। श्योर। इन्होंने कहा कि मुंडक उपनिषद एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुंडक आनंद मठ से लिया गया था। वंदे मातरम। चलिए 52 अभी वीडियो गेम्स को लेकर, बच्चों के वीडियो गेम्स को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। एक देश जिसने प्रतिबंधित कर दिया है कि सुबह 8 से रात के 10 तक ही खेल सकते हैं बच्चे, उसके बाद नहीं खेल सकते। ये देश कौन सा है? चाइना, जर्मनी या अफगानिस्तान? बहुत अच्छा प्रश्न लग रहा है। 10 के बाद बच्चे नहीं खेलते। इरेज़ वन, एक बता लूँ, एक सही और एक गलत। चाइना एंड अफगानिस्तान। चाइना, इन्होंने कहा चाइना। करेक्ट आंसर चाइना। बिल्कुल ठीक। सर, एक और खेलिए, आपका इनाम पक्का है। नंबर बोलिए। 1717। अब बताइए, आज आज का दिन कौन सा नेशनल मंथ, आज राष्ट्रीय माह कौन सा है? आपके ऑप्शन है अगहन, कार्तिक या पौष। राष्ट्रीय माह की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय माह, नेशनल मंथ। आई एम टॉकिंग अबाउट मराठी मंथ। देखिए, मंथ को हम लोगों ने बंगला का अलग है, मराठी का अलग अलग माना है, लेकिन नेशनल मंथ की बात कर रहा हूँ। द मंथ विच हैज बीन एक्सेप्टेड एज नेशनल कौन सा है? अग्रहण यानी अगहन, कार्तिक और पौष यानी पुष। देखिए, नेशनल कैलेंडर शक है हमारा, इसलिए नहीं है शक। जैसे चैत से शुरू के फागुन पे खत्म करते हैं, चैत का शक चलता है ना, तो वो फागुन पे खत्म होता है नेशनल कैलेंडर। उसके बाद कुछ नहीं। जल्दी बोलिए, जल्दी। पौष, आपने बोला पौष। आपने लेक्चर बचे थे इनकी क्या? ऐसा लेक्चर नहीं। इन्होंने कहा कि पौष नेशनल मंथ है, लेकिन दिस इज रॉन्ग। सही आंसर है अगहन। अगहन चल रहा है। थैंक यू सर। वेरी गुड। पंजाब के
Yes? Ask your brother that man, what's your name? Audience? Audience, तैयार हो? आप बताएं विपाशा नदी जो ऋग्वेद में इसका वर्णन है, ये विपाशा नदी कौन सी नदी है? चिनाब। आप बात देखिए सर, चिनाब, व्यास, व्यास, हाथ नीचे प्लीज, रावी, व्यास, चारों पांव लेकिन बाकी में एक तो जल्दी आप नहीं देखी बाकी तो आता है बोलिए व्यास ठीक है मैंने व्यास का एफेक्ट किया ये सही जवाब है बिल्कुल आप बताइए मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूँ आपको बताना है कि कुंभ का मेला कहाँ नहीं भरता कुंभ का मेला किस स्थान पे नहीं भरता वाराणसी नासिक उज्जैन नहीं लेंगे इन्होंने कहा कि वाराणसी में कुंभ का मेला नहीं भरता राइट आंसर बिल्कुल क्या बात है चलिए साहब जीते आप एक और जीते और आप इनाम आपके हाथ में आएगा चलिए निकालिए क्वेश्चन नंबर 15 ये आ गया महाप्रश्न सर इसको सही बताइए कि एक्स्ट्रा प्राइस मिलेगा इंग्लिश का एक शब्द है चेयर सी एच ए आई आर हम सब जानते हैं आपको बताना है कि चेयर शब्द का जो वर्तमान स्वरूप है ये किस भाषा से बना है इंग्लिश तो नहीं है ध्यान इंग्लिश नहीं है चेयर फ्रेंच ग्रीक या संस्कृत चेयर का उद्गम जो है वो सोर्स कौन सा भाषा है फ्रेंच ग्रीक संस्कृत लेटर कौन सी बात इनकी ले सकते हैं एक सही एक गलत फ्रेंच एंड संस्कृत फ्रेंच और संस्कृत में से एक सही है फ्रेंच एक्सेप्ट करो इन्होंने कहा कि फ्रेंच से शब्द बना है और ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंच से भी करता है जैसे वो फ्रेंच से कुछ नहीं वेरी गुड आपके तीनों का सही ले जाइए प्रॉपर्टी आपकी है पूरी क्रेडिट की आपकी वेल प्लेड सर आपके नाम पक्का सिर्फ टोकन निकाल नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 अरे सर आइए दिल थाम के बैठो अब मेरी बारी आई 49 इंग्लिश का एक शब्द फिजिक्स पी एस वाई एस आई सी एस फिजिक्स इस शब्द में से यदि हम एस हटा दें लास्ट जो एस ना तो बचेगा पी एच वाई एस आई सी नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फिजिक्स आपको बताना है औषधि यानी मेडिसिन शरीर सौष्ठव बॉडी बिल्ड या भौतिक शास्त्र की एक ब्रांच है ब्रांच ऑफ फिजिक्स बी बॉडी बिल्ड
going to like him, Rohit sir. Yes, yes. Morning you. Now I will reserve for next two questions. So you are going from fake into body. This is practice. Body will be wrong. वो तो सिंगिंग आप बोलो उसकी स्पेलिंग है P H Y S I Q U E that is different और ये P H Y S I C है इसका मतलब होता है medicine औषधि होता है फिजिक्स सर सॉरी आप सर कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस थैंक यू वेरी वेरी सर्विसेज नीचे क्या पूरा कोई बात नहीं Thank you.
नंबर नाइन, नंबर नाइन, नंबर नाइन मिसेज नीलम कपूर, ठीक है जी। सिर्फ दो कॉन्टेस्टेंट रह गए हैं, देखिए अभी दो कॉन्टेस्टेंट रह गए, इसके बाद वाइल्ड कार्ड जरूर। किसी लिया वाइल्ड कार्ड सर? वाइल्ड कार्ड किसी ने लिया आप लोगों से जिनके पास थे? नहीं लिया किसी ने? आप किससे लिया आपने? सर से। और किसने लिया वाइल्ड कार्ड? आपने लिया है? ठीक है, तीन कॉन्टेस्टेंट रहे। अभी नंबर 30 मिसेस शिंदे, my name is up.
just this for you, so that you know, I am Mr. Sundi S. U. D. Five days. Accept karu? इन्होंने कहा 5 days. 3 days. Wrong answer. It is 3 days. 3 दिनों के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा तो थैंक यू मैडम. और ये अंतिम टोकन है नंबर टू. आइए सर, क्या बात है. देखिए अग्रवाल साहब अच्छी टोन आर्मी में रूल है. आर्मी रूल क्या है? तो कमांडर होता है लास्ट में आता है. कमांडर लास्ट में ही आया. चलिए बैठे सर, आप आगे बोलो. हाँ जी नायक साहब, नायक साहब आइए प्लीज. अभी जैसा वाइट कार्ड किसी को लेना तो ले लीजिए. अभी नहीं सर, स्वागत है आपका भी. आपको बताना है, गीत सुनाया जाएगा, एक गाना सुनाएंगे आपको. ये गाना किसकी आवाज है, मतलब कोई भी फेवरेट सिंगर. रेडी
बेस्ट. आर नेम ईशान भाईजान. इसमें से नॉर्थ वेस्ट कौन सी? ईशान लाइफ एंड दोनों आपके पास है. आप मेहनत नहीं चाहिए फाइनल ईयर में. अभी आपने अग्रवाल साहब का हाथ देख लिया ना, क्या बोलिए लेंगे या फिर लेंगे? कौन सी एक एक लाइफ लाइन है जो हमसे पूछेंगे और दूसरे की एक गलत उत्तर मिटाते हैं. कोई भी एक मिलेगी दोनों की. ऑडियंस ऑडियंस तैयार हो जाए. नॉर्थ वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आग्नेय. मैडम देखिए हाथ उठा चुके हैं. ईशान आप नीचे का निकली. वायव्य. थैंक यू. ईशान ऑडियंस जो वायव्य पे हाथ उठाया बोलिए. इन्होंने कहा कि ईशान बोलते हैं लेकिन ये गलत जवाब है. सही वायव. ईशान तो होता है नॉर्थ ईस्ट, भगवान शंकर की दिशा है. सॉरी मैडम गरीश उसी से ईशा शर्मा है. ईशा से ईशान. चलिए ठीक है मैडम थैंक यू सो मच. अब वाइल्ड कार्ड नंबर वन आई. वाइल्ड कार्ड लेके आइए अपने साथ. पूजा जी आपका स्वागत है. आप तो दोबारा आए हैं. चलिए ठीक है ट्वेंटी सिक्स. महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? Who is the present governor of महाराष्ट्र? लालजी टंडन, भगत सिंह कोश्यारिया कोश्यारी सॉरी एंड गणेश गणेशीला. बी भगत सिंह. एम का बी राइट. बहुत अच्छा थैंक यू. चलिए नेक्स्ट पूछिए. सेवन नंबर सेवन. आपको बताना है कि मैं कुछ फसलों के नाम बताऊंगा. आपको बताना है कि इसमें रबी फसल इसमें रबी फसल कौन सी है. ठीक है. राइस एंड मेज यानी चावल और भुट्टा. सोयाबीन और कॉटन. सोयाबीन और कपास. व्हीट एंड बार्ली गेहूं और जौ. इनमें से रबी वाली कौन सी है? नहीं राइस के साथ मेज भी नहीं दोनों एक भी सी ऐसा ए. आप बोल रहे हो कि राइस एंड मेज जो है ये रबी रबी फसल है. एक्सेप्ट कर लो. फाइनल. आपका दोनों लाइफ लाइन है अभी. जल्दी बोलिए. राइस एंड मेज मतलब ये चावल भुट्टा रबी फसल. एक्सेप्ट. ठीक है. इन्होंने कहा नहीं ले रही है क्या ले रही है ये बिना पहला कौन सी लाते नहीं दिया. कौन सी लेंगी? 50-50 वाली लेंगी. 50-50 में बचा बी और सी. ए तो गया बच गए. चलिए बताइए. सी गेहूं और जौ. सी सी कि बी क्या बोल जल्दी बोलिए. सी. इन्होंने कहा सी यानी गेहूं और जौ जो है रबी फसल है. राइट आंसर. बिल्कुल सही. आपको 88 में मल्टीप्लाई करना 51
88 multiplied by 51. Answer है 4488, 4168, 5128. Well played.
आपके सामने आ चुके हैं कौन कौन है और उनको प्राइजेस दिए जाएंगे यहाँ पर। प्राइजेस देने के बाद मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान मोहन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आज का ये कार्यक्रम जो यहाँ हमारे रियो में हुआ हमारे साथी को तो देते पर अभी या तो आप बातें करें या तो मुझे अपना काम करने दीजिए। जिसको नहीं सुन रहा है कृपया बाहर हवा खा सकते हैं। अभी बहुत सारे कार्यक्रम बाकी है और यजमान होने के नाते हमारा हमारी जिम्मेवारी बनती है हम सब कि यहाँ जो बाहर से हमारे यहाँ पधारे हैं हमारे निमंत्रण को जिसने स्वीकारा है उसका भी अभिवादन करना हमारे कर्तव्य में आता है। तो अभी प्रोग्राम और आगे होने वाला है तो ऐसा मत समझिए कि क्विज के साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं हमारे अच्छे नसीब कि हमें आज पलावा टीवी की ओर से भी हमारे इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारण मिला है। अभी कैसे क्या वो तो टेक्निकली मैं उसके काबिल नहीं हूँ तो मैं पहले तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच पलावा टीवी के शूटिंग को